वैगनर लेगा प्रिगोजिन की मौत का बदला। प्रिगोजिन की मौत पर क्या क्या दावे किए जा रहे हैं? वैगनर चीफ की मौत से जुड़ी खबरों के लिए देखिए प्रिगोजिन हत्या या हादसा टॉप लाइन। ब्रिटिश सेना के पूर्व कर्नल ब्रेटन गार्डन ने आशंका जताई कि पुतिन के आदेश पर प्रिगोजिन की हत्या की गई। ब्रिटिश कर्नल ने दावा किया कि प्रिगोजिन की हत्या करवाकर पुतिन ने अपने डेथ वारंट पर साइन कर दिया है। वैगनर का इस्तेमाल रूस में तबाही मचाने के लिए भी किया जा सकता है। प्रिगोजिन की मौत को लेकर नए नए दावे और खुलासों के बीच ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी MI6 के पूर्व जासूस क्रिस्टोफर स्टील ने दावा किया कि प्रिगोजिन की हत्या की सुपारी रूस की बिजनेस कम्युनिटी ने दी। जासूस का दावा है कि इस हत्या के पीछे पुतिन नहीं है। प्रिगोजिन की मौत को लेकर एक और बड़ा दावा उनके निजी पायलट आर्टेम स्टेपानोव को लेकर किया जा रहा है। दावा ये कि पायलट स्टेपानोव विमान क्रैश के बाद से ही लापता है। जांच एजेंसी को शक है कि स्टेपानोव विमान में आसानी से घुसकर विस्फोटक रख सकते हैं। वैगनर चीफ की मौत को लेकर पहली बार प्रतिक्रिया देते हुए पुतिन ने कहा प्रिगोजिन ने जीवन में कई गलतियां की हैं। हालांकि सफलता के लिए उन्होंने जरूरी कदम भी उठाए। पुतिन ने कहा कि विमान हादसे की जांच रिपोर्ट आने पर ही कुछ कहा जा सकता है लेकिन उसमें वक्त लगेगा। वैगनर लड़ाके प्रिगोजिन की मौत का बदला लेने की तैयारी में है। वैगनर को शक है कि पुतिन के इशारे पर प्रिगोजिन की हत्या की गई। इस हत्या की पुष्टि होते ही वैगनर मॉस्को मार्च कर सकते हैं। वैगनर को लगता है कि प्रिगोजिन के प्लेन को रूसी खुफिया एजेंसी FSB ने गिराया। प्रिगोजिन की मौत के बाद पुतिन की टेंशन और बढ़ गई है। रूस के भीतर बगावत की आशंका जताई जा रही है। पुतिन विरोधी रशियन वॉलंटियर कॉर्प्स ने वैगनर का समर्थन किया। रशियन वॉलंटियर कॉर्प्स यूक्रेन बॉर्डर से रूसी सीमा में कई हमले कर चुके हैं। प्रिगोजिन के साथ तस्वीर शेयर करते हुए चेचन चीफ कादिरोव ने कहा है कि उनकी मौत रूस के लिए बड़ा नुकसान है। कादिरोव ने प्रिगोजिन को देशभक्त बताया। हालांकि प्रिगोजिन की बगावत के बाद कादिरोव ने कहा था प्रिगोजिन ने पुतिन की पीठ में छुरा घोंपा है। वैगनर चीफ प्रिगोजिन की मौत के बाद पोलैंड में खौफ है। पोलैंड को अपनी सुरक्षा का डर पहले से ही सता रहा है। पोलैंड के PM मोरावियाकी ने दावा किया कि वैगनर ग्रुप पर पुतिन का कब्जा हो सकता है और पोलैंड के PM ने यह भी कहा कि पुतिन के कंट्रोल में आने के बाद वैगनर और बड़ा खतरा होंगे। प्रिगोजिन की मौत के बाद वैगनर के खिलाफ बेलारूस में भी एक्शन होता दिख रहा है। पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर के पास 5,000 वैगनर लड़ाकों के लिए बनाए गए कैंपों को अब नष्ट किया गया है। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों में 1 अगस्त को जहां कैंप था अब वहां कुछ नहीं है।